हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांग मोगा वर्धा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज में आज ये लेक्चर नंबर 38 है, जिसमें हम पढ़ने वाले एरे के मेथड शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड्स को। तो बेसिकली हमने पीछे लेक्चर में पढ़े थे पुश और पॉप मेथड, जो कि काम करते थे लास्ट में किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए और उसमें नया ऐड करने के लिए एलिमेंट को। तो पिछले लेक्चर में क्या हुआ था कि अगर हमें किसी भी एरे में लास्ट में कोई भी एरे के एलिमेंट ऐड करना है तो हम अगर हटाना है तो हम यूज करते थे पुश और पॉप मेथड, जिसमें से पॉप मेथड का काम होता था कि आपके एरे में लास्ट के एलिमेंट को रिमूव करना, और पुश का काम होता था कि आपके एरे में लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पर शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड होते हैं, ये हमारे स्टार्टिंग में काम करते हैं कि अगर मुझे एरे में, किसी भी एरे में अगर मुझे स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में अगर मुझे कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है, देन मैं यूज करता हूँ यहाँ पर अनशिफ्ट मेथड को। अगर मुझे एरे में से, बिगिनिंग में से अगर किसी भी एरे में से किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे रिमूव करना है, देन मैं यूज करता हूँ शिफ्ट मेथड का। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इसका प्रैक्टिकल नोट पर प्लस प्लस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक फ्रूट्स नाम का एरे क्रिएट किया है, जिसे मैंने दो वैल्यू पास करी है और जिसका इंडेक्स नंबर 0 और 1 है। तो बेसिकली एरे में इंडेक्सिंग जो नंबरिंग होती है, रोल नंबर जैसे क्लास में होते हैं 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर इनके रोल नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं कि 0 इसका नंबर है, 1 इसका नंबर है। तो पहले मैं इन एरे को मैं प्रिंट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट में। तो मैं यूज करूंगा डॉक्यूमेंट docmnt document.write, और यहाँ पर मैं अपने जो एरे है उसका नाम पास कर देता हूँ इस तरीके से, और सेमीकोलन सेव करता हूँ, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ क्रोम में इस तरीके से। तो आप देखेंगे एरे के जो एलिमेंट थे वो मेरे यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा, अब मैं यहाँ पर एरे में एक नया एलिमेंट ऐड कराऊंगा पहले। तो ऐड करने के लिए मैं यूज करूंगा अनशिफ्ट मेथड का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रूट्स एरे का नाम, उस पर लगाऊंगा अनशिफ्ट shift अनशिफ्ट मेथड लगाया मैंने, और यहाँ पर मैं ऐड करना, जो भी आपको एलिमेंट ऐड करना है आप यहाँ पे पास करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर डालना है जैसे कि बनाना, BANANA बनाना, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक भी दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में और इसके एंड में मैं एरे प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पर देता हूँ मैं एक लाइन ब्रेक, ठीक है, BR इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने जो मेरा एरे मैंने डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, उसको मैंने प्रिंट कराया, फिर एक मैंने BR टैग दिया, एक लाइन का ब्रेक दिया, उसके बाद मैंने फ्रूट्स एरे पर एक अनशिफ्ट मेथड चलाया। और अनशिफ्ट का काम होता है बिगनिंग में ऐड करना एलिमेंट को। तो यहाँ पर देखिए मैंने पास कर दिया बनाना, और फिर से मैंने प्रिंट करा दिया फ्रूट को। अब मैं इसको सेव करता हूँ रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे यहाँ पर बनाना एलिमेंट जो है वो स्टार्टिंग में नया एलिमेंट एरे में ऐड हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में से एलिमेंट को हटाना, तो मैं एक यहाँ पर कॉपी करके एक तो पहले BR दे देता हूँ। तो मैं वापस से मैं क्या कराऊंगा, फ्रूट से मैं यहाँ पे रन कराऊंगा कौन सा मेथड, शिफ्ट मेथड इस तरीके से, ठीक है। आपको इसमें कोई भी पैरामीटर पास करने की नीड नहीं होती है, स्टार्टिंग में फर्स्ट एलिमेंट पर ही काम करता है, ठीक है। अब मैं करता हूँ उसको पेस्ट वापस। तो अब क्या होगा, रिफ्रेश करूंगा तो बनाने यहाँ से हट जाएगा, ये देखिए। तो अगर आपको स्टार्टिंग में एरे में कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, देन आप यूज करते हैं अनशिफ्ट मेथड का। और अगर आप यूज करेंगे एरे में अगर मुझे हटाना है स्टार्टिंग में से, देन आप यूज करेंगे यहाँ पर शिफ्ट मेथड का। तो बेसिकली होता क्या, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया तो रोल नंबर 0 इसका था, मतलब इंडेक्स नंबर 0 इसका था, लेकिन आप इंडेक्स नंबर 0 बनाना का हो गया, 1 इसका होगा, 2 इसका हो गया। तो ये इंडेक्सिंग नंबर होती है ऑटोमेटिक अपने आप ये मैनेज कर लेते हैं। अगर मैंने ये देखो, अब यहाँ पे बनाना इंडेक्स नंबर 0 पे था, मैंगो 1 पे था, बट मैंने यहाँ पर शिफ्ट मेथड को चलाकर एक एलिमेंट को हटा दिया, बनाने को हटा दिया, तो ऑटोमेटिक जो इंडेक्स नंबर होगा इनका, मैंगो को 0 मिल जाएगा, एप्पल को 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड। तो बेसिकली आपको याद कैसे रखने हैं ये, कि अगर मैं किसी भी एरे में अगर मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ किसी भी एलिमेंट को, देन मैं यूज करूंगा पुश मेथड को और पॉप मेथड को, ठीक है, हटाने के लिए, ऐड करने के लिए। अगर मुझे स्टार्टिंग में किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है, हटाना है, देन मैं यूज करूंगा हमारे यहाँ पर शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड को। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, अगर आपको पता होगा किस तरीके से हम यूज करते हैं हमारे एरे की शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड को। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज करो सब्सक्राइब, बेल आइकन कीजिए प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।